सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले इन्फो हब चैनल को, और अब आप डाउनलोड कर सकते हैं इन्फो हब ऐप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, जिसमें आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं अपने हेल्थ से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए। दोस्तों, कमजोरी बीमारी तो नहीं होती, पर इसे बीमारी से कम भी नहीं कहा जा सकता। जहाँ आज देश कुश्ती और खेलकूद में दुनिया जीत रहा है, वहीं बहुत से लोग कमजोरी और दुर्बलता से परेशान हैं। दोस्तों, शारीरिक कमजोरी शरीर में थकावट की एक भावना है। इसमें व्यक्ति अपने शरीर को ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसके अलावा कुछ लोग अपने शरीर के किसी एक हिस्से में कमजोरी को फील करते हैं, जैसे कि हाथ या पैर। वहीं कुछ लोगों को पूरे शरीर की कमजोरी का एहसास होता है। दोस्तों, कमजोरी होने के बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन डाइजेशन मतलब खाने का पाचन सही ना होना इसका सबसे बड़ा कारण है। इसमें शरीर खाने के न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में नहीं मिला पाता, जिससे हमारा सारा खाया हुआ वेस्ट हो जाता है, भूख में कमी आ जाती है और शरीर दुबला पतला और कमजोर हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कमजोरी सिर्फ डाइजेशन की वजह से हो, कमजोरी होने के और भी कारण है, जैसे बुखार या फ्लू में मांसपेशियां और जोड़ में बहुत दर्द होता है, जो शरीर को कमजोर बना देता है, या थायराइड, डायबिटीज, विटामिन B12 की कमी, स्ट्रेस, नींद में कमी या पीरियड्स के दौरान भी कमजोरी हो सकती है। इसलिए अगर आप कमजोरी महसूस करने के अलावा इन बीमारियों के लक्षण को भी फील करते हैं, तो आप सबसे पहले किसी डॉक्टर की सलाह लें। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखता है, तो आप अपने डेली रूटीन में चेंजेस लाकर कमजोरी को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को मोटिवेट करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बनाए हुए रूटीन पे चलूंगा और खाना प्रॉपर टाइम पे खाऊंगा। ज्यादातर लोग इसे 1 से 2 दिन तक चला पाते हैं, और आलस या ज्यादा काम की वजह से टाइम पे खाना नहीं खाते, जो इनडाइजेशन का सबसे बड़ा रीजन है। दूध पीने से शरीर में शक्ति आती है और दुर्बलता दूर होती है। दूध में 3 से 4 बादाम पीस कर डालें। बादाम वाला दूध पीने से थकान और कमजोरी दूर होती है। देसी खजूर शक्ति वर्धक होता है, मतलब ये आपके शरीर को पर्याप्त ताकत दे सकता है। खजूर के बीज निकाल करके उसमें मक्खन भर करके खाने से शरीर ताकतवर बनता है। गाजर एक शक्ति वर्धक होता है, इसका जूस पीते रहने से शरीर में फैट बढ़ता है। दुबले और कमजोर लोगों को हर रोज गाजर का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आप इन सब चीजों को डेली रूटीन में डालकर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ घर का खाना भी बहुत जरूरी है, जिसमें हरी सब्जियां, दाल, रोटी, चावल होना ही चाहिए। आप पूरे दिन में कम से कम 3 बार घर का खाना खाएं, और हर 2 घंटे पर स्नैक्स के रूप में फल, चना या कुछ भी हेल्दी चीजें खाते रहें। इससे आपका डाइजेशन बिल्कुल ठीक रहेगा, प्रॉपर भूख लगेगी, और ऐसा लगातार करने से 1 महीने के अंदर आपको अपने शरीर में बदलाव दिखने लगेगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनका वजन कितना होना चाहिए जिससे वो दुबले पतलों की गिनती में ना आए, या ज्यादा वजन बढ़ जाने से मोटापे का शिकार ना हो जाए। लेकिन BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स की मदद से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। दोस्तों, BMI हमारे बॉडी के हाइट और वेट के कॉम्बिनेशन से पता किया जाता है। BMI चार्ट आपको इंटरनेट पे आसानी से मिल जाएगा, जिसमें हाइट और वेट के अकॉर्डिंग BMI मेंशन होता है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि कितना BMI एक हेल्दी इंसान का होना चाहिए। एक सामान्य व्यक्ति का BMI 18.5 से 24.9 तक होना चाहिए। अगर आपका BMI 18.5 से नीचे है, तो आप कम वजन की श्रेणी में आते हैं, और अगर BMI 25 से ऊपर है, तो आप अधिक वजन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर BMI 30 से ऊपर है, तो आप मोटापे के शिकार हैं और आपको अस्वस्थ होने का खतरा है। आप खुद से भी BMI कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, मतलब अपने वजन को अपने हाइट के स्क्वायर से भागा दें, और ध्यान रहे आपका हाइट मीटर में हो। तो दोस्तों, ये थी कमजोरी दूर करने की बातें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो आप इसे लाइक जरूर करें। आपके मन में कोई बात हो जो हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट करें, और अगर आप हमारे बातों से एग्री होते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।